Hello, everybody. I'm Krishna Abhishek, and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया. और आज पता मैं बड़ी दुविधा में हूँ सर. क्यों? मेरे को पहले ये नहीं समझ, मैं आपको सर बुलाऊं, गुरु जी कहूँ, स्वामी जी, मैं क्या कह के संबोधित करूँ आपको? अरे सबसे पहले तो मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने और आपके प्रोडक्शन कंपनी ने मुझे यहाँ पर आज बुलाया. शुक्रिया इस कपिल शर्मा शो के लिए. मतलब ये तो सबको हंसाते ही रहते हैं. दुनिया में इतना गम है लेकिन इनके गम को कम करने का काम तो इन्होंने ले रखा है ना. आशीर्वाद है सर. आप भी बहुत हंसाते हैं. कोशिश करता हूँ जी. इन्होंने मुझे पूछा कि मुझे किस नाम से संबोधित करें. हाँ, हाँ, हाँ. तो मैं कई बार कहता हूँ कि किसी भी नाम से बुला लीजिए. दिल से जो प्यार से बुलाया जाता है ना तो नाम कुछ भी चल जाता है. बहुत सही, लेकिन बहुत सही. लेकिन जब आप ये लिबर्टी दे देते फ्रीडम के किसी भी नाम से बुलाए तो हाय. किस किस नाम से मुझे बुलाया गया है और मेरे नाम का क्या कचुंबर किया गया है. अच्छा जी. एक कार्यक्रम में, एक प्रोग्राम में मैं गया था, मुझे उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच में गोल गोपाल आए हुए हैं. मतलब मेरा सर तो गोल है. गोल गोपाल. अच्छा मैं अमेरिका गया. अमेरिका में मुझे कहा सो वी हैव अमंगस्ट ऑल ऑफ अस गोल्ड गोपाल दास. ये तो फिर भी ठीक था. गोल तो ठीक ठाक था, गोल्ड भी. फिर एक मराठी प्रोग्राम में गया बंबई में. अच्छा जी. तो मराठी प्रोग्राम में कहते हैं आज अपने मधे गोल्ड गोपाल दास आले आहे. तो गोल्ड भी थोड़ा मीठा है, ठीक है. सबसे भयंकर वाला बता तू. आज हमारे बीच घोर गोपाल दास आए. अभी घोर तो मैं हूं नहीं जी. वाह क्या बात है सर. आपको पता है मैं तो कंफ्यूज था कि मैं सर को क्या कह के बुलाऊं. हमारे प्रोडक्शन वाले बड़े कंफ्यूज थे. नॉर्मली क्या फिल्म वाले लोग आते हैं सर यहाँ पे ना, तो वो पूछते हैं बर्गर पिज्जा ये सब मंगवाते हैं. आज मुझे आके पूछता सर फल लेंगे दूध लेंगे. मैं कह यार सर आज आप हमारे शो पे आए हैं, आप भी मानते हैं कि जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है? बिल्कुल 100% हंसना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि दुख तो यूं भरा पड़ा है. मतलब किस कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है यहाँ पर. अच्छा जो लोग हाथ नहीं उठा रहे अपेक्षा करें कि मैं उनमें विश्वास करूंगा. लो कर लो बात. जिस जिंदगी में तो प्रॉब्लम होगी ना, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही. बिल्कुल. वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता. हाय हाय क्या बात है. मैंने देखा सर कि इंस्टाग्राम पे 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बाकी सोशल मीडिया अलग है सर. तो मेरा सवाल आपसे ये था कि दुनिया को मोह माया से दूर रहने का पाठ पढ़ाने वाले गुरु जब सुबह उठते हैं तो आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर दो कि रात के बाद कितने फॉलोअर बढ़े मेरे. क्योंकि ये रोज देखती हैं अर्चना जी, एक एक घंटे बाद चेक करती हैं ये. इतना झूठ बोलता है ना ये इंसान. अभी नीचे रखा होगा फोन. चुप कर. अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके किसी भी बात पर विश्वास मत करना. ये मेरे ऊपर जो भी बोलता है ना कमेंट, वो असत्य है. जो झूठ बोलता है उसको कौवा काटता है जी. कौवा काटेगा इसको. और यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू साहब बैठते थे, उनको भी दिनेश ने आउट किया है, इनका कोई हाथ नहीं है. ये भी बात असत्य है. धन्यवाद. आप में से कितने लोगों ने कभी उपवास किया है, जैसे धार्मिक उपवास? किसी ने रोजा किया है यहाँ जी? किसी ने जन्माष्टमी नवरात्रि की है? किसी ने पर्युषण किया है? पर्युषण है ना. देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप कट टू 2023 है जी. आपको अगर 2023 में उपवास करना है ना, एक दिन बिना स्मार्टफोन के, बिना इंस्टाग्राम के, बिना व्हाट्सएप के, बिना फेसबुक के, बिना लिंक्डइन के, बिना ट्विटर के, बिना स्नैपचैट के, बिना गूगल के, बिना टिंडर के, एक दिन ऐसा उपवास करके दिखाइए. खुदा नीचे उतर के आएगा, बोलेगा बस कर पगले, रुलाएगा क्या? वाह. तो वाकई ये बात हंसी मजाक में कही है सर ने, लेकिन बड़े काम की बात है असली. और क्योंकि हमारी जिंदगी में इतना घुस चुका है सर इंस्टाग्राम, आदमी 250 ग्राम का और के रह गया. क्योंकि हर जगह इंस्टाग्राम. और यंग बच्चे तो हैं ही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं हटते हैं. शूटिंग चल रही है, अलग से बीच में ब्रेक होती, मैडम अपना फोन लेके आ जाती और सुनाइए फिर कैसे हैं आप. नहीं फिर मतलब हद हो गई है. मैं अपने शो का प्रमोशन करती हूँ कब. हाँ बड़ा प्रमोशन, बड़े आपके 4 करोड़ फॉलोअर है ना. इतना घमंड ना कर कपिल. नहीं घमंड मैंने कब किया है? मैंने कभी कहा है मेरे 44 मिलियन? कभी नहीं कहा.
अच्छा सर का एक कोट है, व्हेन पीपल स्माइल इट डजंट मीन दे आर डूइंग गुड, इट जस्ट मीन दे हैव चोजन टू स्माइल. तो सर आपको क्या लगता है कि ये इंसान के अपने हाथ में है, वो खुद डिसाइड कर सकता है कि मुझे खुश रहना है, या उसकी पत्नी के हाथ में है, या उसके बॉस के हाथ में है, या गर्लफ्रेंड के हाथ में है? आपको मैंने हमेशा स्माइल करते देखा है, इसका रीजन ये तो नहीं कि आप अकेले हैं. एक बार 15 अगस्त को किसी ने मुझे मैसेज भेजा, और वो वाला मैसेज जानते हैं आप जो होता है लंबा, एक लाइन ऊपर लिखी रहती है फिर डॉट 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 डॉट, तो उसमें लिखा था फर्स्ट स्क्रोल डाउन एंड रीड द मैसेज ओनली इफ यू आर सिंगल. तो मैंने कहा मैं तो क्वालिफाई करता हूँ. तो मैं नीचे क्या हूँ डॉट 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 डॉट, 15 अगस्त था, नीचे लिखा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. अभी आपको एक बात बताऊंगी, देखिए हमारी खुशी की जिम्मेदारी अगर हम किसी और के हाथ में दे देंगे ना तो जिंदगी भर मायूस रहेंगे. ओके. और इसीलिए जितना हम अपनी भावनाओं का, अपने जज्बातों का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं ना, उतना खुश रह पाएंगे, और फिर चाहे वो आपकी पत्नी हो, अपने बॉस हो, उनसे प्यार कर पाएंगे जैसे भी वो हो. नहीं तो बस यू रिमोट दबा रहे हैं जी लोग, दुनिया के हाथ में, दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल अपनी जज्बातों का मत दो, धीरे धीरे वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में. अच्छा मैंने सर का एक वीडियो देखा जिसमें ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे थे. हाँ. और गाना भी गा रहे थे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो. गुस्ताखी माफ सर, मतलब आपको ये स्टूडेंट होने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं कि, या कभी मोहब्बत में भी पढ़े हैं कभी? ऐसे, मतलब ऐसे पूछा सर. कपिल आज बहुत लिबर्टी ले रहे हैं. हमेशा लेता है. बोले हाथ में ये भोला भाला गंजा साधु आज हाथ में मिल गया, आज इनका बराबर से लिबर्टी लेके आज इनकी खूब खिंचाई करते. मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी मैंने जी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में इतना मशगूल हो गया कि प्यार मोहब्बत के लिए समय ही नहीं मिला. और जब इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म हो गई तब जो मैं कर रहा हूं उससे प्यार हो गया. वाह. तो ये यहां से यहां आ गया. लेकिन आज की तारीख में जो जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जिनके दिल टूटते हैं, जो चन्ना मेरे या गाते हैं, जो ए दिल है मुश्किल गाते हैं, वो मेरे पास आते हैं रोने के लिए. जब ए दिल है मुश्किल भी सुकून नहीं देता, जब चन्ना मेरे या भी सुकून नहीं देता, तब कहाँ जाए, है ना घोर गोपाल दास जी. एक का हार्ट ब्रेक हो गया. अच्छा जी. 10 साल से रिलेशनशिप में थे दोनों, और वो इतनी शराब पी चुकी थी, वो ये थोड़ा मॉडरेटली ड्रंक था उस दिन. अच्छा जी. ये पूरी टिप्सी, टल्ली पूरी, मैं आम आदमी की भाषा में. जी 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 जी, पूरी टिप्सी. टल्ली मैं नहीं बोलूं. तो इसने उसके माता पिता को ऐसी गालियां दी गंदी गंदी शराब के नशे में. अच्छा जी. ये तो मॉडरेटली ड्रंक था, तो इसको समझ में आया कि भाई लड़की अच्छी है, मेरे से जमती है, लेकिन इसके मन में मेरे पेरेंट्स के लिए क्या है. तो अगले दिन उसने कहा हम ब्रेकअप करेंगे, तो ब्रेकअप तो हो गया. मेरे पास आया, 10 साल का रिलेशनशिप है, बिना पूछे मेरी गोद में सर रख के रोने लगा. सब ऐसी होती है. मैंने कहा मेरे भाई कूल डाउन, तुझे खट्टे अंगूर मिले इसका मतलब सारे अंगूर खट्टे नहीं होते. मुझे शेर बोल रहा है. अच्छा. कहता है दिल बोली आंख से. अच्छा. दिल बोली आंख से तुम देखा करो कम. हाँ. देखते हो तुम और तड़पते हैं हम. है. फिर रोते रोते आगे बोलने लगा, आंख बोली दिल से. आंख बोली दिल से तुम चाह करो कम. चाहते हो तुम और रोते हैं हम. मैंने तो कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन ये जो मोहब्बत के एपिसोड सुलझाते सुलझाते मैं मोहब्बत कोच हो गया. सर बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए. सर हमने ना ज्यादातर लोगों को देखा, कुछ नया करने जाते हैं ना तो इस बात से बड़ा घबराते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे. पहली बात तो ये चार लोग कौन है सर? कहाँ रहते हैं ये?
हमें तो दिखाई भी नहीं देते हैं जी। लेकिन फिर भी मन में डर क्यों बैठा रहता है सर? आप प्लीज विराजमान हो जाइए। हाँ जी ये इन लोगों से कैसे छुटकारा पाए हम? मेरी माँ मुझे बड़े साल कहती रही तू शादी नहीं कर रहा, चार लोग क्या कहेंगे? वो चार लोग शादी में भी नहीं आए। वैसे काफी सारे आए पर वो चार लोग नहीं आए। मैं कई बार कहता हूँ अगर दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये भी आप ही सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? अरे उनको सोचने के लिए कुछ छोड़िए ना भाई। और अंग्रेजी में इसको नॉइज और वॉइस कहते हैं। बाहर के जो लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं, जो सलाह होती है, जो मत होते हैं, जो राय होती है, वो सब नॉइज है। चाहे कितनी अच्छी इंटेंशन भी हो लेकिन नॉइज है। और इस सब नॉइज में, इस आवाज में अपनी वॉइस को नहीं भूलना चाहिए जी। अपने अंदर भी एक वॉइस है। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं जी कि दूसरों की बात सलाह मानने में कोई दिक्कत नहीं जब उसमें कोई सच हो, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, इन फिजूल की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। मैं कई बार बोलता हूँ कपिल जी, आज मैं कन्फेस कर रहा हूँ आपके सामने जी, मैं जब भी स्टेज पे पहली बार किसी भी इवेंट में जाता हूँ, जैसे स्टेज पे आता हूँ तो मैं कहता हूँ आपका नाम लेता हूँ ऑल इवेंट्स। अरे वाह। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कहा है कि गुरुजी आपको जो बोलना है ना तब बोलिए, लेकिन हमारी ऑडियंस को ना मजा आना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ ये जो कहते हैं कि हमारी ऑडियंस को मजा आना चाहिए, मैं क्या कपिल शर्मा हूँ? स्टैंडर्ड लाइन है मेरी। अरे वाह। तो इसलिए देवियों, सज्जनों, दोस्तों, दूसरों की बात मानते मानते खुद को भूल मत जाओ। खुद को क्या करना उसको दूसरों की राय से ज्यादा अपनी खोज करनी ज्यादा जरूरी है। क्या बात। तो उन चार लोगों को चार कोने में बंद कर दो और अपनी आवाज को सुनो। हाँ जी मम्मी ठीक है। आज तो आपको बैठा के सुनाने लाया लगता है। अच्छा ऐसा कहा जाता है ना कि इंसान को लाइफ में जब कोई झटका लगता है वो सब छोड़ छाड़ के अध्यात्म की तरफ आ जाता है। सर जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं तो तारें जोड़ते जोड़ते कौन सा ऐसा झटका लगा कि जो आप अध्यात्म की तरफ आ गए? कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि झटका लगने से ही अध्यात्म की ओर आते हैं लोग। जैसे नौकरी नहीं मिली, छोकरी नहीं मिली, कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी कहा। तो हमारे समय तीन ही ऑप्शन थे हमारे पास, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या फेलियर बनो। तीनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थे। उसमें से मुझे इंजीनियरिंग मिल गई। और इंजीनियरिंग के बाद तो सब लोगों को अपना करियर बनाना होता है। एक लड़का MBA कॉलेज के बाहर MBA के लिए फॉर्म भर रहा है, वॉचमैन से पूछा भाई साहब MBA यहाँ करना चाह रहा हूँ, यहाँ से कॉलेज कैसा है? वॉचमैन ने कहा बहुत बढ़िया, मैंने यहीं से MBA किया। तो मेरे साथ इंजीनियरिंग करने के बाद ये नौबत तो नहीं आई, अच्छी जॉब भी ली हिवलेट पैकेट में, लेकिन मैंने एक बात अपने आप को एक सवाल पूछा बस कि मैं सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा मेरा वक्त मेरे काम में जाएगा। हम अपने फैमिली के साथ कितना वक्त बिताते हैं, सवेरे थोड़ा, शाम को थोड़ा, वीकेंड पे थोड़ा, और यदि हमारे काम पे हमारा सबसे ज्यादा वक्त जाने वाला है तो क्या उस वक्त में हम वो करेंगे जो हमको पैसा तो खूब दे रहा है लेकिन जच नहीं रहा यहाँ? तो मैं जो कर रहा था वो बहुत बढ़िया कर रहा था लेकिन वो यहाँ खुशी नहीं मिल रही थी। तब फिर सोचा कि भाई ये नहीं चलेगा, अब तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। रिस्क ली, और मतलब कैसी रिस्क कि आगे पीछे क्या होगा कुछ पता नहीं, कूद गया। और मैं कई बार कहता हूँ समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है, दुख तो उन पे होता है जो किनारों पे मर जाते हैं। वाह। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.